दोस्तों, मैं हूँ पीएस भौमिक। अपने ही चैनल पे पीएस भौमिक में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 3 टिप्स बताऊंगा, 3 टिप्स, ताकि आप लोग यूट्यूब में सर्च जो एल्गोरिदम होता है, जो आप लोग सर्च करते हो, तब आपके वीडियो आ जाए फर्स्ट पेज में। एटलीस्ट ये 3 टिप्स चाहिए व्यूज़, रेवेन्यूज, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। मैं आज इस वीडियो में यही बताऊँगा 3 टिप्स। ये 3 टिप बहुत ही काम में आएगा, मैं बोलता हूँ 100% वर्क करेगा, क्योंकि मैं ही वैसे कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं। तो पहला जो है, आप लोग लॉन्ग वीडियोस बनाइए, एटलीस्ट 10 मिनट के ऊपर। सॉरी, मेरा आज गला ख़राब है। 3, आप लोग को लॉन्ग, जो मैं जैसे बोल रहा था, आप लोग को लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, ये काम करता है। आप लोग अगर 10 मिनट के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को, आप लोग का वीडियो का चांसेस है ऊपर सर्च एल्गोरिदम में ऊपर आने का। ये काम कैसे करता है, यूट्यूब एक सर्च एल्गोरिदम यूज़ करता है, उसमें आप लोगों का चैनल का, आप लोग जो चैनल बना चुके हैं या आप लोग जो सोच रहे हैं बनाने के लिए, उसमें वीडियो तो डालना पड़ेगा ना। तो अगर 10 मिनट का ऊपर या 10 मिनट से ऊपर अगर वीडियो आप लोग बना लिए, तो वो वीडियो में जो वॉच टाइम होता है, हाँ आप लोग सही सुने, जो वॉच टाइम होता है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर सिंपल में कर देता हूँ, बहुत क्लियरली आप लोग को बोलता हूँ कि अगर आप लोग एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड किए यूट्यूब में, उधर अगर 1000 लोगों ने 10 मिनट तक या 5 मिनट तक देखा वीडियो, पूरा नहीं देखा, पूरा कंप्लीट नहीं किया वीडियो, 5 मिनट तक ही देखा, तो आप लोग का व्यूज़ वॉच टाइम ज़्यादा मिलेगा। आप लोग अगर 5 मिनट का वीडियो करेंगे तो 5 मिनट का जो हाफ अगर कर दो तो 2.5 मिनट्स अगर वॉच टाइम अगर 1000 लोग देखे तो कितना होगा, आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 मिनट का अगर वीडियो है तो उसे हाफ कीजिए, 1000 लोग अगर देखेंगे 5 मिनट का वीडियो, तो आप लोग को 5000 वॉच टाइम मिलेगा, 5000 वॉच टाइम मिनट्स मिलेगा। तो आप लोग का चांसेस है, ताकि आप लोग सर्च एल्गोरिथम में आपका चैनल भी आ जाए, आपका व्यू सर्च रिलेटेड वीडियो भी आ जाए। हाँ, आप लोग का वीडियो आना पड़ेगा, अब इसलिए बोल रहा हूँ लॉन्ग वीडियोस बनाइए, लॉन्ग वीडियोस। अगर 5 मिनट का अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हैं उसे हाफ कीजिए, 2.5 मिनट्स होता है, 1000 लोग अगर 2.5 मिनट्स देखते हैं तो आप लोग 5000 मिनट्स ज़्यादा है या 2500, 5000 ज़्यादा है, तो आप लोग आसानी से ऊपर जा सकते हैं। YouTube का जो सर्च एल्गोरिदम है, वो लोग देखते हैं वॉच टाइम आपका चैनल में कितना है, वॉच टाइम अगर ज़्यादा है तो आप लोग का वीडियो का चांसेस है या आप लोग का चैनल का चांसेस है फर्स्ट पेज ऑफ यूट्यूब में आप लोग आसानी से आ सकते हैं, बहुत ही आसानी से। फर्स्ट पेज में आने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए, आप लोग का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, आप लोग को ये एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट बनाना पड़ेगा, 10 मिनट बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, जो मैं 3 टिप्स बोलना था उसमें फर्स्ट स्टेप मैंने बोल दिया। सेकेंड जो टिप है, आप लोग को कॉन्टेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। YouTube में एक मेथड चलता है, सभी यूट्यूबर्स वही फॉलो करते हैं, 3 P's वो लोग फॉलो करते हैं, प्रीव्यू, प्रूफ, प्रीव्यू। मैं आज इस वीडियो में 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, तो मैं टाइटल में वैसा ही लिखूँगा, 3 टिप्स टू इंक्रीज योर व्यूज़ कॉमा सब्सक्राइबर्स कॉमा रेवेन्यू। मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा, ऐसे ही टाइटल लिखूँगा, और मैं ऐसे ही इस वीडियो में वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 टिप्स टू इंक्रीज योर व्यूज़ सब्सक्राइबर्स एंड रेवेन्यू। मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, यही तो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोग अगर ये प्रीव्यू, प्रूफ, प्रीव्यू इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोगों का चांसेस है आप लोगों का वीडियो फर्स्ट पेज में आ सकता है। तो प्रीव्यू, प्रूफ, प्रीव्यू क्या है, बहुत ही आसानी सा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। प्रीव्यू, स्टार्टिंग का जो 25 सेकंड्स है, आप लोग पहले आप लोग का चैनल इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर रिव्यू में जो होता है, फिर आप लोग, जैसे मैं बोला इस वीडियो में 3 टिप्स मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोग का चैनल का या आप लोग का वीडियो का
चांसेस है आप लोग सर्च मैनल में आ सकते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बनाने के लिए, रिव्यू बनाने के लिए। ये मैंने बोला ये 3 टिप्स, ये ऐसे आप लोग जो टाइटल में दे रहे हो वो आप लोग को बना, वो आप लोग को बोलना पड़ेगा 3 टिप्स टू इंक्रीज योर व्यूज, सब्सक्राइबर्स, रेवेन्यू। तो मैंने ये बोला इस वीडियो में। वैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोग देखोगे तो मैंने क्या बोला नोकिया 6 के बारे में। तो नोकिया 6 टाइटल में भी था, नोकिया 6 वीडियोज में भी मैं नोकिया 6 बोला। नोकिया 6 के बारे में आप लोग जानना चाहते हो, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, सॉरी जानना नहीं, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। तो नोकिया 6 मैंने बोला था नोकिया 6 के बारे में। तो नोकिया 6 मैंने वो वर्ड यूज़ किया था, उसके बारे में आप लोग को मैं बताऊँगा। तो मैंने ये बोला, मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग किया, वो था मेरा प्रीव्यू। प्रूफ मैंने क्या दिया, प्रूफ मैंने दिया कि हाँ मैंने सचमुच बता दिया वीडियो के अंदर बीच में, मैंने सचमुच बता दिया आप लोगों को कि नोकिया 6 क्या है, नोकिया 6 का बॉर्ड कंस्ट्रक्शन क्या है, नोकिया 6 के अंदर प्रोसेसर क्या है, रैम क्या है, मैंने ये सब शेयर किया, इंटरनल स्टोरेज क्या होगा, ये सब मैंने शेयर किया। ये था मेरा प्रूफ। और जो लास्ट में जो प्रीव्यू है, आप लोग फिर से बोलिए कि ये प्रूफ या मैं जो मैंने बोला, जैसे मैं इस वीडियो में 3 टिप्स टू इंक्रीज योर व्यूज, सब्सक्राइबर्स एंड रेवेन्यू, ये आप लोग को फिर से बोलना पड़ेगा थोड़े अलग ढंग से, जैसे मैं अभी इस वीडियो में बोलूँगा। ये जो टिप्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वैसे अगर फॉलो किए, अगर ये 3 टिप्स आप लोग फॉलो किए तो आप लोग का चैनल का चांसेस है फर्स्ट पेज में वो वीडियो आने के लिए। फर्स्ट पेज में तो लाना पड़ेगा, नहीं तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। आप तो मैक्सिमम लोग तो रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं भाई यूट्यूब। तो ये 3 टिप्स, और जो 3rd टिप था प्रीव्यू प्रूफ प्रीव्यू, ये याद रखना हमेशा। जो 3rd टिप है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन जैसे मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद हुआ तो, अगर पसंद नहीं हुआ तो डिसलाइक कीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग को कि क्या इंटरेस्टिंग कंटेंट चाहिए, मैं क्या ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वो मुझे बताइए, आप लोग को कैसा लगता है वीडियो वो शेयर कीजिए। मैं जो बोलता हूँ हमेशा, हाँ YouTube देखता है कि आप लोग का कितना व्यूज़ है, कितना डिसलाइक्स है, कितना लाइक्स है, कितना आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, उसके ऊपर भी YouTube का सर्च एल्गोरिदम काम करता है और आपका वीडियो प्रमोट हो सकता है, आपका चैनल प्रमोट हो सकता है, ये सब देखेगा YouTube। आप लोग सोच रहे होंगे 100 वीडियो बना लिया, 150 वीडियो बना लिया, 1000 वीडियो बना लिया, फिर भी व्यूज़ नहीं मिल रहे। जैसे वो सब, जैसे चीज़, जैसे आप लोग को अच्छा नीड चाहिए, अच्छा टाइटल, टैग्स अच्छा चाहिए, उसके ऊपर आप लोग को कंटेंट अच्छा चाहिए, उसके ऊपर एक अच्छा सा थंबनेल चाहिए, वो सब तो इम्पोर्टेंट है। उसके सिवाय आप लोग को अगर व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग ये 3 टिप फॉलो कीजिए। अगर काम नहीं किया तो मैं और 2 टिप बताऊँगा। आप लोग कमेंट कीजिए नीचे कि आप लोग जो ग्रोइंग यूट्यूबर्स हैं, मैं भी ग्रोइंग हूँ पर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, धीरे धीरे मेरा चैनल प्रमोट भी हो रहा है और सर्च पेज में, फर्स्ट पेज में नहीं तो 5th-6th पेज में मेरा व्यूज़ है, मेरा चैनल का वीडियो है। कैसे है, मैं ये 3 टिप फॉलो करता हूँ, सब लोग फॉलो करते हैं कि एक अच्छा सा थंबनेल चाहिए, एक अच्छा सा कंटेंट चाहिए वीडियो में, एक अच्छा सा टाइटल चाहिए, ये लोग सब तो फॉलो करते ही है, पर कोई ये 3 टिप फॉलो करता है नहीं। ये मैंने जो पहले बोला कि आप लोग जो टाइटल में बोल रहे हो वही आप लोग वीडियो में दोहराओ, ये आप लोग करते हैं नहीं ना, तो ये आप लोग को करना पड़ेगा। जो सेकंड मैंने बोला है प्रीव्यू प्रूफ प्रीव्यू, ये आप लोग करते थे, मुझे नहीं लगता आप लोग करते थे, इसलिए आप लोग का व्यूज़ नहीं मिल रहा था, आप लोग को सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहा था। रेवेन्यू तो छोड़ ही दीजिए, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स नहीं है तो रेवेन्यू कैसे मिलेगा। और जो लास्ट मैंने बोला है इंटरेक्शन, हाँ इंटरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरेक्शन नहीं है, आप लोग का बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट है, प्रीव्यू प्रूफ प्रीव्यू भी कर रहे हैं, सब कुछ फॉलो कर रही है, पूरा 3 टिप फॉलो कर रहे हैं और बाकी जो भी टिप्स हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब में वो भी अगर फॉलो कर रहे हैं फिर भी व्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो एक ही कारण है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ऑडियंस के साथ। इंटरेक्शन बहुत ही मस्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेक्शन अगर नहीं है ऑडियंस के साथ तो आप लोग का चांसेस बहुत ही कम है आप लोग का वीडियो प्रमोट होगा और फर्स्ट पेज में आएगा। इंटरेक्शन करना पड़ेगा, प्रीव्यू करना पड़ेगा, और टाइटल में जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो टाइटल आप लोग दे रहे हैं वो वीडियो में भी दोहराना पड़ेगा। हाँ, ये सब करिए। अगर आप लोग को लगता है कि ये सब काम कर रहा है तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, और ये वीडियो आप लोगों का पसंद हुआ तो आप लोग लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं हुआ तो आप लोग डिसलाइक कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। हाँ, आज का डील ऑफ द डे अमेज़न का मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक अमेज़न का डील्स ऑफ द डे। चलिए, शुक्रिया।